आखिरकार जो कयास लगाए जा रहे थे वही हुआ। एलन मस्क ने ट्विटर में कर्मचारियों की छटनी स्टार्ट कर दी है। मस्क ने ट्विटर के टेकओवर से पहले ही इस बात के संकेत दिए थे कि वो ट्विटर से 75% से ज्यादा कर्मचारियों को बाहर कर सकते हैं। अब इसको लेकर कंपनी ने सभी कर्मचारियों को ईमेल भेजकर यह बताया है कि उनकी नौकरी रहेगी या नहीं। इसकी जानकारी उन्हें मेल के जरिए दी जाएगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्विटर के सभी कर्मचारियों को शनिवार को ऑफिस आने से मना किया गया है। अपने मेल के जरिए ट्विटर कर्मचारियों से कहा गया है कि अगर आप ऑफिस में हैं या ऑफिस के रास्ते में हैं तो घर लौट जाइए। इसके साथ ही उनके एक्सेस कार्ड भी अस्थायी तौर से ब्लॉक कर दिए गए हैं। कर्मचारियों को इस बात की हिदायत भी दी गई है कि वो इस प्रोसेस के बारे में प्रेस या सोशल मीडिया पर इसके बारे में किसी से भी बात ना करें। इसके साथ ही उन्हें यह जानकारी दी गई है कि उन्हें नौकरी पर रखा जाएगा या नहीं, इसकी जानकारी केवल मेल से दी जाएगी। अगर किसी ट्विटर एम्प्लॉय की नौकरी सुरक्षित है तो उसे कंपनी के आधिकारिक ईमेल पर पता चलेगा। वहीं जिन लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है उन्हें पर्सनल ईमेल आईडी के जरिए मैसेज भेजा जाएगा। एलन मस्क ने जब से ट्विटर को अपने हाथ में लिया है उसी दिन से उन्होंने उलटफेर करना शुरू कर दिया था। जैसा कि आपको पता है, ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल सहित सीएफओ नेट सेगल, कंपनी की लीगल पॉलिसी ट्रस्ट और सेफ्टी विभाग की हेड विजय गड्डे को पहले ही दिन बाहर कर दिया गया था। मस्क ने इसके बाद खुद को कंपनी का सीईओ घोषित किया और ट्विटर बोर्ड को भी भंग कर दिया। कर्मचारियों को बड़े पैमाने पर पिंक स्लिप पकड़ाने के साथ ही मस्क ने ब्लू टिक के लिए हर महीने $8 चार्ज करने की बात भी कही है। वहीं एलन मस्क ने भले ही पराग अग्रवाल सहित कई बड़े अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया हो, लेकिन अब कयास लगाए जा रहे हैं कि एलन मस्क एक भारतीय की एंट्री ट्विटर में करवा सकते हैं। खबर है कि श्री रामकृष्णन ट्विटर में एलन मस्क का हाथ बटा सकते हैं। श्री रामकृष्णन एक निवेशक है, ऐसा उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल बताती है। श्री रामकृष्णन एक निवेशक है, वो क्रिप्टो और वेब 3 जैसी चीजों में पैसा लगाते हैं। कृष्णन की पत्नी आरती राममूर्ति भी इन्वेस्टर है। दोनों के नाम से पॉडकास्ट शो भी होस्ट करते हैं। चेन्नई में जन्मे श्रीराम ने SRM इंजीनियरिंग कॉलेज से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पढ़ाई की है। साल 2005 में ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद श्रीराम अमेरिका चले गए। श्रीराम इन्वेस्टमेंट फर्म एंडरसन हॉर्बिट में पार्टनर हैं। माइक्रोसॉफ्ट में प्रोग्राम मैनेजर के तौर पर काम करने के बाद 2007 में श्रीराम ने फेसबुक ज्वाइन किया था। यहाँ पर वो फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क सेक्शन में काम करते थे। उन्होंने स्नैपचैट के साथ भी काम किया हुआ है। ट्विटर की बात करें तो श्रीराम ने यहाँ माइक्रो ब्लॉगिंग साइट के लिए सीनियर डायरेक्टर प्रोडक्ट के तौर पर काम किया है। यहाँ उन्होंने यूजर्स के असली अनुभव को बेहतर करने का काम किया है और ऐप के होम पेज को दोबारा से डिजाइन भी किया है। उन्होंने क्लब हाउस ऐप पर भी गुड टाइम शो को होस्ट किया है। दिसंबर 2020 में शो को होस्ट करने के बाद कुछ ही महीनों में उसे 2.25 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।